Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. We are doing chapter number 10, Hans Kiska. जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि यहाँ हंस की बात हो रही है, जो हमारा ये लेसन है वो हंस से रिलेटेड है। इस लेसन को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे बर्ड्स हैं, हमें कभी भी किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में सैर कर रहे थे, तभी एक घायल हंस आकर उनके पैरों के पास गिरा। सिद्धार्थ घायल हंस को देखकर व्याकुल हो उठे, अरे इस सुंदर पक्षी को किसने बाण मारा? कहते हुए सिद्धार्थ ने हंस को गोद में उठा लिया, फिर उसका घाव धोया तथा उसे पानी पिलाया। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। देवदत्त, यह हंस मेरा है। देवदत्त ने ये कहा सिद्धार्थ से कि यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, आपने इस भोले पक्षी पर बाण क्यों चलाया? इसने आपका क्या बिगाड़ा था? देखो यह कैसे तड़फ रहा है। देवदत्त, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने इसका शिकार किया है, अतः यह मेरा है। लाओ इसे मुझे दो। सिद्धार्थ, कदापि नहीं। क्या आपको पता नहीं कि जीव हत्या करना पाप है? आपने भी पाप किया है। जाइए यहाँ से, मैं इसे नहीं दूंगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और लड़ते झगड़ते सिद्धार्थ देवदत्त के साथ अपने पिता के पास पहुँचे। इस प्रकार मामला राजा सुद्धोधन के दरबार में पहुँच गया। राजा सुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। राजा ने दोनों राजकुमारों की बातें सुनी। महाराज, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे बाण मारा है, इसीलिए यह मुझे मिलना चाहिए, देवदत्त ने कहा। सिद्धार्थ, पिताजी यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। देवदत्त, नहीं महाराज, इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है। राजा ने दोनों की बातें सुनी, फिर कुछ सोच विचार करने लगे। तब राजा ने अपना फैसला सुनाया। राजा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। धर्म के अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। हंस को सिद्धार्थ ने बचाया है, अतः हंस उसी का होगा। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसके जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। घायल हंस सिद्धार्थ की गोद में सिमट कर बैठा हुआ था। राजा के फैसले को देवदत्त ने भी मान लिया और राजा से क्षमा मांगकर वहां से चला गया। बच्चों, हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। ये है शब्दार्थ। इसके बाद है बोलकर पढ़िए। सिद्धार्थ, व्याकुल, सुधोदन, शिकार, फैसला, क्षमा, देवदत्त, कदापि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। सिद्धार्थ ने हंस की सेवा कैसे की? उसका घाव धोकर उसे पानी पिलाया। देवदत्त ने हंस पर क्या कहकर अपना अधिकार जमाया? उसने क्या कहा था? यह मेरा शिकार है। देवदत्त ने हंस को बाण क्यों मारा? शिकार करने के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सिद्धार्थ हंस को देखकर व्याकुल क्यों उठे? क्योंकि हंस घायल था। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, सिद्धार्थ हंस को देखकर व्याकुल हो उठे। फिर क्यों नहीं आएगा आपका? सिद्धार्थ हंस को देखकर व्याकुल हो उठे क्योंकि हंस घायल था। सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा कैसे की? सिद्धार्थ ने उसके घाव धोकर तथा पानी पिलाकर उसकी रक्षा की। महाराज सुद्धोधन ने क्या फैसला सुनाया? महाराज ने कहा, धर्म के अनुसार मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हमें जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, या फिर आप लिख सकते हो, हमें कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सिद्धार्थ अपने बगीचे में सैर कर रहे थे।
सिद्धार्थ ने हंस को गोद में उठा लिया। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। सुदोधन ने दोनों राजकुमारों की बातें सुनी। हंस सिद्धार्थ का ही होगा। सही वाक्यों पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है आपको। सिद्धार्थ ने हंस को घायल कर दिया, रॉन्ग। हंस को लेकर दोनों राजकुमारों में झगड़ा हो गया, सही। राजा का निर्णय सिद्धार्थ के पक्ष में रहा, सही। देवदत्त ने घायल हंस की रक्षा की, गलत। अब आपके सही उत्तर पर निशान लगाइए। हंस को बाण किसने मारा? देवदत्त ने। घायल हंस को देखकर सिद्धार्थ हो गया व्याकुल। सिद्धार्थ के पिता कौन थे? सुदोधन। हमें जीवों पर करनी चाहिए दया। इसके बाद आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। इसने आपको किया बिगाड़ा था, और सही क्या बनेगा? इसने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं इसका शिकार किया है, मैंने इसका शिकार किया है। तेरे को इससे क्या लेना, तुम्हें इससे क्या लेना? जीव हत्या करनी पाप है, जीव हत्या करना पाप है। वह चले गई, वे चले गई। इसके बाद आपको अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। धुआं अनुनासिक आएगा, माँ अनुनासिक आएगा, गांव अनुनासिक, मुंह अनुनासिक और आंख अनुनासिक। और अनुस्वार किस पे आएगा? अंत, हिंदी व्यंजन। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बगीचा, बाग। पिता, बाप और तात भी बोलते हैं। ज्यादा, बहुत। पक्षी, खग, राजा, महाराज। एक मैंने छोड़ा है आपके लिए, आप इसे भरकर प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एक्टिविटी फॉर यू। सिद्धार्थ ही आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महात्मा बुद्ध कैसे बने, इनकी कहानी अपने बड़ों से पता कीजिए और साथियों से इसकी चर्चा कीजिए। आप अपने टीचर से पूछिए इसके बारे में। नीचे यहाँ पर दिया गया है, दिए गए स्थान पर भारत के राष्ट्रीय पक्षी का चित्र चिपकाइए। इसके अतिरिक्त उस पक्षी की दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है पीकॉक, मोर। उस मोर की यहाँ पे पिक्चर चिपकानी है और यहाँ पे टू लाइन लिखनी है कि सबसे पहले मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसके रंग बिरंगे पंख होते हैं, इसके अलावा जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।